पापा को इतना कष्ट दे रही है। क्या रे लड़का, जो काम दी थी हुआ? हाँ हो गया काम, हो गया। हाँ हो गया काम, हो गया है। हाँ इधर एक बार मुझे माँ बोल दो, मैं छोड़ दूंगी। बोलो नहीं नहीं, नहीं कहोगे? नहीं। बोलो माँ कहो मुझे। कुछ भी कर लो, मर जाओ अथवा मिट जाओ, मैं कभी मां नहीं कहूंगा। आई लग तेरा यही देवता के हर भाई गई मैं कभी भी तुमको माँ नहीं कहूंगा, ना मेरी बहन माँ कहेगी। ये बहन है कि तुम्हारी बहू है? फिर मुख संभाल कर बात करो। जीवन खत्म कर दूंगी मैं। माया नहीं दा रेगा के चंडाल, आ गया जिस तरह से नागिन अपने बच्चे को भी जस लेता है,
उसी तरह तू भी हम दोनों भाई बहन को टकना चाहती है। कल तो बर्दाश्त नहीं करे बना कभी ने बर्दाश्त नहीं किया नहीं कहना है तो नहीं कहना बात कैसे कहना है। मैं तो कभी नहीं कहूंगा। ए मास्टर साहब जी, अगर सोज उगनी घी नहीं निकलता है तो क्या करना पड़ता है? टेढ़ा। अब मैं टेढ़ा करूंगी और टेढ़ा करके दोनों को खेला को खत्म कर दूंगी मैं, क्योंकि हमारी बेइज्जती हुई है। मैं कही हूं और मेरी बातों को नहीं माना गया है, मेरा अवहेलना हुआ है, इसका पूरा मैं अवश्य लूंगी, मैं अवश्य लूंगी। इधर शंकर कुमार मेरे पुत्र, मेरे लल्ला। पुत्र मत कहो मुझे। अच्छा ठीक है, पुत्र नहीं कहूंगी। आओ, बड़ा लगता है। देखो माँ तो माँ होती है, मान के चलो तुम मुझे माँ नहीं कह रही हो, लेकिन मेरे अंदर माँ तो इतनी होती है, माँ हूँ, समझा ना। चलो ठीक, तुम तो कभी माँ नहीं बनोगी। ठीक है, नहीं बनोगी बाबा। ए राम, अरे कितने दिनों से नहीं आया है? कब ना आया था? हो गए 8-10 दिन। ए राम, ए राम, ताए बुधा। चलो चलो, इसे मैं धो डालूं। लेकिन आज अचानक मुझको इतना प्यार कैसे आ गया? अरे पगला, देखो ना, तुम्हारे पिताजी कहते रहते हैं बच्चे को साफ सुथरा रखना चाहिए, गंदगी में नहीं रखना चाहिए, बीमारी हो जाती है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। मैं इसे अच्छी तरह से साबुन लगा के साफ कर दूंगी, है ना लल्ला? ठीक है, कर देना। हाँ, अब तुम दोनों भाई बहन जा सकती हो, है ना? मां को दांत मत रखो, हाथा करो, समझी ना? ठीक है, चलो बहन। गुड्डी आकाश में, धागा मेरे पास में। गुड्डी उड़ गई आकाश में, धागा मेरे पास में है, और मैं इसी के बहुत बड़ा हथियार बनाऊंगी, और इस हथियार की सहायता से उस शंकर सुशीला का खेल को मैं खत्म कर दूंगी। उसके बाद कोई भाई खबरी मुझे कहेगी, कोई भक्सिया कहेगी, कोई रानी बेटी कहेगी, फिर मैं दिखा दूंगी। अब मैं एक बहाना बनाती हूं, किसका? तबियत खराब होने का, है ना? तबियत खराब होने का बहाना बनाती हूँ, दासी को बुलाती हूँ, दासी आएगी, महाराज को बुलाएगी, फिर मैं अपनी सारी हालात गए। मुझे बहुत जोर से पीठ में दर्द हो रहा है। हाँ,
ये बात किसी को बताना नहीं है। हाँ घूस बात मिलेगा तुम्हें घूस रखू तुम्हें लोग। हाँ क्या हुआ महारानी, क्या हुआ, तुम्हें कब बुलाए हैं? जाओ महारानी के दरबार है, महारानी के दरबार दासी का राव होता आने का। जाओ कितने बीमार जैसे लगते हैं, बिना पूछे हुए नहीं आना है। जाओ जय कछुआ भैया। कौन सा बीमारी तुम्हें पकड़ लिया बोलो?
वही इलाज होगा। चलो मैं दरभंगा ले जाता हूँ। लेसन की बीमारी लेसन का पकड़ लिया होगा महाराज। नहीं महाराज, मैं उसे नहीं बताऊंगी, मैं उसे कुछ नहीं बताने वाली हूँ। कैसे बताओगी तुम? चुप करो, हम बोलो ना जाकर। महारानी क्यों रोती हो? महाराज हम उसे मिलेंगे, मच्छर उछेर लगा सारा कछुआ धोए लिया है। महारानी बोलो। महाराज तुम्हारे एक जान का प्यार ही मैंने समझ लिया हो। पति और पत्नी का रिश्ता भगवान नहीं काट सकता है महारानी। महाराज तो ठीक है, अगर तुम मेरे पत्नी बनकर की मेरे दरबार आई है तो जैसे तुम शंकर सुशीला की पाल रही है महारानी, क्या हो गई तुम्हें? महाराज तो ठीक है, अब कुछ ज्यादा ही भी तरह मेरी तबीयत का बहुत मेरा ख्याल रखते, मैं बताऊंगी अवश्य। महारानी तुम्हें हो रही है, मुझे आत्मा कांप रहा है। महारानी इसका कारण तुम बतलाओ, मैं अभी मिटा दूंगा। क्या कोई तुम्हें गाली दिया है? महाराज इसके लिए पहले आपको सत्य करना होगा, सत्य बताऊंगी। और जल्दी सोचो क्या नाम मानी की खाली बोलिए कहीं जमा का मोरल छता मंत्री खर्चा नहीं लगे। मुझे बड़ा आंख भड़क रहा है, बीमारी में मर रही, ना जाने क्या होगा नहीं होगा। इससे पहले एक महारानी मुझे गुजर गई और ये बोर की गई थी, वो आज मुझे सत्य मिल रहा है। अगर मैं इससे साथ सत नहीं करता हूँ वो नहीं हो सकता है। बड़ा चूड़ी पड़ता रार मर सके, लेकिन सत करने से पहले मुझे कदम नहीं उठता है, मुझे जुबान नहीं खुल रहा है सत करने की। महारानी इसमें सत करने की क्या बात है? महाराज महारानी ये सारे संसार तो तुम्हारे है, अगर तुम्हें पत्नी ठीक है, धन दौलत जो कुछ भी है मेरे दरबार में सारे तो तुम्हारे पे मैं छोड़ दिया हूँ। नहीं महाराज, अगर सत नहीं करते तो मैं कुछ नहीं बताऊंगी, मरने दीजिए मुझे, मैं मर जाऊंगी लेकिन नहीं बताऊंगी। जल्दी करा दो, जल्दी करा दो, मैं ये वो नाश्ते ये खेलू जरा कहीं और ध्यान से कहीं ऐसे नहीं जन्म पर। मंत्री जी कहावत में है नारी जा से कौन देवा तिकरार करे। मास्टर साहब जी तिरिया जाल बहुत लंबा होती है जी, इससे पहले इससे सत किया तो मुझे शादी करने के लिए कहा, मुझे शंका होता है, मुझे जुबान नहीं खोल रहा है सत करने की। अगर जते विचार उससे जाकर की प्यार से तुमने पूछो, मेरे बदन में सत में रही है, तुम जाकर की पूछो, जो कुछ मांगना है जो कुछ लेना है उसको बोलो। महारानी जो भी जो चीज मांगना है लेना देना है वैसे मांग लो ना। दौड़ आंखें देखता है हमारे ही काम देख जाता है, मांगी नहीं तो कर जो बोल गया सो बोल गया हारा मजा का। क्या ना तुम बोला रे? मैं ना नागिन लाया हूँ, नागिन लाया हूँ, जाकर के पहुंचो उसको छो 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 कमीना छो निकल रहे हो भागो। मेरे महारानी की तुमने क्या बोला रे? नागिन है नागिन है ना, हमने कहेगा महारानी बोले बोलो मेरी प्यारी। हटिए, मैं कितनी हूं ना, अगर आप सब नहीं कीजिएगा तो मुझे महारानी कहने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। ठीक है मैं तुम्हारे साथ सत करूंगा, क्या सत करने से तुम्हें दुख दूर हो जाएंगे? हाँ स्वामीनाथ हो जाएंगे। हाँ एक बार मुस्कुरा लो, मैं सत कर लूंगा। पहले सत कीजिए फिर मैं मुस्कुराऊंगी, सब कुछ कहूंगी। हे परमात्मा
हे माँ दुर्गा, मैं तुम्हारे पे सारे बात का सुख रहा हूँ। एक शत दो शत ब्रह्मा भी सुन सत, अगर तुम्हारे कहा नहीं करो तो अस्सी कोस रखी भर बतलाओ। आपकी बने हो, आपकी बने। तुम जाओ, ये पति पत्नी की बात है। स्वामीनाथ महारानी, जो मैं आपसे पूछ रही हूँ सिर्फ आप उसका उत्तर दीजिएगा मुझे। क्या हुआ? हे महाराज, आपने मुझसे शादी की है? मैं तुमसे शादी करके आया हूँ, तो मेरे महल के महारानी है। किए है ना? इसमें क्या बात है? लेकिन किसके लिए? तुम मेरे पटरानी है, शंकर सुशीला के लिए मैं तुम्हारे से शादी करके लाया हूँ। मेरे बेटी के तुमने ख्याल रखना महारानी, कहूँगा। महाराज, लोग शादी करते पति पत्नी से अपने पति के लिए। महारानी, मैं आपके लिए कि आपके बेटे शंकर के लिए। क्या पक रही है तुमने? अगर मेरा छोटा बच्चा है, कुछ भी बोल गया होगा, उसके तुम इतना क्रोध में है? क्या बोला? हे महाराज, गाली तो नहीं दिया है? मैं अपनी नानी से इस पलंग पे सोई हुई थी, इस शंकर ने दबे पांव मेरे घर में प्रवेश किया आधी रात में और जोर जबरदस्ती मेरे साथ दुष्कर्म किया। महाराज, कभी नहीं हो सकता है, तुम झूठ बोल रही है, वो बालक तुम्हारे पास कैसे जाएगा? वो बालक तुम्हारे पास कैसे जाएगा? महाराज, वो बालक नहीं है, वो जवान हो चुका है। वो जवान हो गया? महाराज, जो बालक, जो बच्ची अभी गोद में बैठ कर की खाना खा रहा है और खाना खा रही है, उसके ऊपर तुमने कहा कह जा रही है? महाराज, मैं जानती थी आपको बेटे से बहुत प्रेम है ना। मैं कौन होती हूँ कहने वाली? मेरा क्या वैल्यू ही है इस मॉल में? प्रेम दोनों से है, तुम्हारे से प्रेम है, तुम मेरा पत्नी है। महाराज, तुम जान का स्त्री है, वो मेरा लड़का है, लड़की है, उसको कोई चीज का दिक्कत न हो रहा। अगर मुझसे आपको प्रेम रहता, विश्वास रहता, तो मेरी बातों को तुरंत नहीं डालते। आपकी अब मैं आपकी पत्नी हूँ, अभी शंकर की पत्नी हूँ, जो शंकर ने मेरे साथ आके ऐसा किया। हे महाराज, इस बात की मैं समझ रही थी, जो आप अपने बेटे पे विश्वास कीजिएगा, मुझ पे नहीं। नहीं, कभी नहीं हो सकता है, तुमने झूठ बोल रही है। तो ठीक है महाराज, अगर मैं इसका प्रमाण दे दूंगी तब आप क्या कीजिएगा? देखिए लो प्रमाण, क्या पहचान है? शंकर कुमार तुम्हारे महल कैसे जाएगा? ठीक है महाराज, ये देखिए, ये राजदारी पर सामने आए, ये मैं बहती हूँ, मैं मर गया। बतिया है, रानी है, आहो माँ से पूरा सा
विश्वास नहीं होता है। महाराज, ये रास्ता ही पोता कभी धुआता नहीं है, न कुछ होता है। मैं अपनी नानी के पलंग पे सोई हुई थी, उन्हें छोड़ दो, डुबकी दिए सदा सा किया है महाराज। महारानी, मैं तो प्रमाण दे चुकी हूँ। तुम बच्चे की कलंक मत लगाओ महाराज। एक दिन एक रोज तुम्हें भी कोख में बच्चा होगा महाराज। क्या मेरी इज्जत आप खुलर दी? आप बच्चे की क्या बातें कर रही हैं? क्या कि पगला होकर यही पुकार है किसी नारी के साथ दुष्कर्म हो जाए और पति अपने बेटे के विश्वास के लिए, बच्चे के विश्वास के लिए दे चुकी। जो मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ फिर आप नहीं माने, इसी अच्छा मैं मर जाऊंगी। महारानी, क्या कहने के लिए तुमने चाहती है? कुछ भी बच्चा और किया, मैं तुझसे माफी मांगता हूँ महाराज। और मेरे बालक की तुम माफ कर दो महाराज। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मैं तेरा पति हूँ, तुम मेरा पत्नी है महाराज। मैं तुम्हारे चरणों में गिर गया महारानी, उसको क्षमा कर दो महाराज। यह एक बच्चे की बात नहीं है, यह एक माँ की बात है। एक माँ नहीं, दुनिया की पूरी माँ की बात है। माँ जैसी पवित्र गंगा का, बेटा जैसी पुत्रता, जिस माँ बेटा पुत्र क्या होता है, ऐसा पवित्र रिश्ता पे उसने धप्पा लगाया है। बात एक माँ और बेटे की है, जो माँ और बेटे की पवित्र रिश्ता को उसने कलंक लगाया है, धप्पा लगा दिया है। उस कलंक को मिटाइए स्वामी। क्या शंकर कुमार का कोड कलेजी चाहिए? तब मेरा कलेजा ठंडा होगा। जिस दिन मैं कोड कलेजी दे दूंगी, उस दिन दुनिया की माया धूम मचाएगी, जो आज कलंक का बेटा मर गया। हे माँ दुर्गा, मुझे महारानी जो कह के गई वो याद याद आ रहा है। वो सत्य बोल की गई, एक बगरा एक बगरिनी की सही कहानी हो गया। स्वामीनाथ, महारानी मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम मेरे बेटा की माफ कर दो। हे स्वामी, आपने मेरे साथ तप किए हैं, आप वचनबद्ध हैं। मैं सिर्फ इतना ही सुनना चाहती हूँ, जो आप मेरे बात को पालन कीजिए। आओ शंकर कुमार ने कोड कलेजी चाहिए, उस लड़की सुशीला का दोनों आंख चाहिए मुझे। मेरा कलेजा ठंडा होगा। एक काम करो, तुम मेरे कोर कलेजी निकाल ले, मेरे आंख निकाल ले। मैं ऐसी वैसी बातें कुछ नहीं जानती हूँ, समझे ना? जो कह दी तो कह दी। परमात्मा, ये तो सच कर कि मैंने आज मेरे संसार उजड़ रहा है, आज मेरे गोद उजड़ रहा है। ये नागिन, तुम्हें ऐसा धर्म नहीं चाहिए। कैसे मैं अपने गोद की पाले हुए लड़का की मैंने कोर कलेजी निकालूंगा, और कैसे मैं बेटी की आंख निकालूंगा? ये नागिन, तुमने तो मुझे यहां संसार जा रहा है। ठीक है, मैं तो सच कर लिया हूं, इससे अच्छा अगर मुझे मौत हो जाता उसी में अच्छा होता। मैं इस समय शंकर और सुशीला की बुलाता हूं। मंत्री जाओ दरबार, शंकर सुशीला की बुलाकर के ले आओ। Oh!
शंकर कुमार, अगर तू मेरा मौत नहीं करता है
आज वो नागिन ने सच करवा लिया, तेरे कोर कलेजी मांग लिया वो नागिन, सुशीला की आंख मांग लिया। पिताजी शंकर कुमार, मैं तुम्हें अगर बचपन में नमक छटा की मार देता उसी में अच्छा है, या तो सर उठा लेता तुम्हें दोनों की, तो इतना दर्द नहीं होता यार। पोष पाल की तुम दोनों की जवान किया, आज तुम्हारे संसार उजरता है शंकर कुमार। पिताजी हमने तो कुछ नहीं बिगाड़ा, तो फिर आपसे वो सब क्यों करवा लिया? आज तक मुझ पे इतना बड़ा जुर्म होता गया, मैंने कभी कोई शिकायत आपसे नहीं किया। मैं ये नहीं चाहता था कि हमारे वजह से हमारे पिताजी का सर किसी के सामने नीचा हो जाए। हे पिता महाराज, हर एक आदमी को अपने अपने कर्म का ही फल मिलता है। शायद हमारा कोई जन्म का ऐसा चुप था जिसकी सजा भगवान इस जन्म में मैं मुझे दे रहा है। शंकर कुमार पिता, ये बतला बेटा, क्या तुम अपने माँ के पास गया था? हे पिता महाराज, क्या आपको अपना दिल कह रहा है कि इतने बड़े घिनौना हरकत आपका पुत्र कर सकता है? आप अपने दिल से पूछिए, हम क्या कहेंगे? शंकर कुमार, हाँ पिताजी, तुम्हारे बदन का जो वस्त्र था वो क्या किया तुमने? पिताजी हमारे साथ बहुत घटना हुई, एक यहां से आए हमें, मैं आपको सारी कहानी बताता हूं। हमें बार बार मारा जाता था, पीटा जाता था, हमें भोजन नहीं दिया जाता था, वन से लकड़ी के लिए बेचता था, हमारे बाप को चावल में पानी भराया, बिना जुना को लकड़ी बनवा करके लाया। उसके बाद एक रोज बड़ी प्यार से आई और बोली कि बेटा तेरा ये कपड़ा गंदा हो गया है, तेरा वस्त्र मलिन हो गया है, तू तो राजकुमार है, लाओ मैं तो तेरी माँ हूं, इसको धो देता हूं। मैंने उसे धोने के लिए दे दिया। शंकर कुमार, हाँ हाँ पिताजी, तुमने जिस काम से उसको वस्त्र दिया वही तो तुम्हारे काम हो गया। ओ नागी पापी, और मुझे सच करवा कर की बोला, महाराज शंकर कुमार मेरे पलंग का पास आ गया है, उसको मुझे कोर कलेजी चाहिए और सुशीला की आंख चाहिए। बेटा, हे पिताश्री, आपने यदि सब किया है तो आप अपने धर्म का पालन कीजिए, मैं आपका धर्म तोड़ने वाला कौन होता हूँ? पुत्र का तो सम्मान उसी में है जो अपने पिता के आज्ञा का पालन करे। हे पिता महाराज, त्रेता युग में महाराज दशरथ ने भगवान राम को आज्ञा दिया था कि तुम 14 वर्ष के लिए वनवास जाओ, अपने पिता का आज्ञा को शिरोधारण करके भगवान राम ने वनवास गया था और वो अपने कर्म का पालन किया। आज ठीक उसी तरह मैं भी आपके वचन को पालन करता हूँ, जो आपका आज्ञा होगा मैं वही करूंगा। आप अपना धर्म तोड़िए, मैं नहीं मारूंगा, सत्यभंग हो जाएगा तो हो जाने दो, छत्री विनाश हो जाएगा मुझे होने दो, मैं उसको वचनों की नहीं मानूंगा, मैं तुम्हारे वध नहीं करूंगा, इससे अच्छा मैं अपनी मौत हो जाऊंगा हर जाति वाद में। नहीं पिताजी, ये जीवन तो इस संसार में बार बार मिलता है परंतु धर्म नहीं मिलता है, एक बार जो धर्म नष्ट हो गया दोबारा लौट करके नहीं आता है, लेकिन आत्मा अमर होता है। जिस तरह से ये कपड़ा आज पुराना हो गया इसको हम फेंक देते हैं, उसी तरह जिस दिन आत्मा को लगता है कि यह शरीर
हमारे काम का नहीं है, पुराना हो गया, फट गया, वो इस शरीर को छोड़ करके कोई नया शरीर धारण कर लेता है। पिताजी आपका और हमारा तो शरीर से नहीं मिलन है, आत्मा का मिलन है। ये शरीर तो आपका ही दिया हुआ है, आप हमें मार करके आप अपने